नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपने देखा था लाल किले में तलवार को घुमाते हुआ एक शख्स दिखा था, उसको आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कोई बचने वाला नहीं है। हमने कुछ दिन पहले ही स्पष्ट शब्दों में आप लोगों के सामने अपनी बात रखी थी और हमने बताया भी था कि किसान आंदोलन से जुड़े हर एक, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, या फिर कह सकते हैं कोई किसान मजदूर क्यों ना हो, अगर किसी ने गलती की है तो उसकी गिरफ्तारी होगी। जिसके रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं, रुझान आना शुरू हो चुके हैं। पूरी सुलझी वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह से इसको टांगा है। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, पकड़ा गया लाल किले में तलवार लहराने वाला आरोपी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला में तलवार लहराने वाला मनिंदर सिंह उर्फ मोनी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में फरार एक और आरोपी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने कल 16 फरवरी देर रात आरोपी को पीतमपुरा इलाके से गिरफ्तार किया है। बता दूं, लाल किले के अंदर तलवार लेकर किया था हंगामा। दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी की पहचान मनिंदर सिंह उर्फ मोनी के रूप में हुई है, जो दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में रहता है। वह पेशे से कार एसी मैकेनिक है। मनिंदर सिंह पर लाल किला के अंदर हिंसा तोड़फोड़ करने के साथ पुलिस कर्मियों पर हिंसा करने का आरोप है। उसे लाल किला के अंदर कई सीसीटीवी वीडियोस में हाथ में तलवार और लोहे की रॉड लहराते हुए हंगामा करते देखा गया था, जिसको चलते आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दूं कि गणतंत्र दिवस के दिन आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शनकारी बैरियर तोड़ते हुए लाल किले तक पहुंच गए और उसी प्राचीर पर, उस स्तंभ पर एक धार्मिक झंडे को लहरा दिया, जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का तिरंगा फहराते हैं। लाल किले में घुसे प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और टिकट काउंटर के अलावा कई स्थानों पर तोड़फोड़ की। पुलिस ने रात करीब 10:30 बजे तक प्रदर्शनकारियों से लाल किला को खाली कराया और धार्मिक झंडे को हटा भी दिया। हजारों प्रदर्शनकारी दिल्ली के आरटीओ समेत कई स्थानों पर पुलिस से भिड़े, जिससे चलते दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यानी कि इसी मामले से जुड़े सभी आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है और इनकी ठुकाई होना शुरू हो चुकी है। बस नंबर लग जाए राकेश टिकैत का, अगर राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन का असर बेअसर हो जाएगा। और वहीं पर राकेश टिकैत जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज जो सरकार के ऊपर वार करने की और आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी यकीन हो जाएगा कि राकेश टिकैत भी गद्दार है, देशद्रोही है। क्योंकि आज किसान आंदोलन में लगातार भीड़ें कम हो रही है, लोग अपने अपने घर की वापसी में जुटे हुए हैं, यानी कि अपने घर की ओर कदम बढ़ा चुके हैं, जिससे कि स्पष्ट है कि आंदोलन अब बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। क्योंकि कई गिरफ्तारी ऐसी हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए थी, जो कह सकते हैं कि बड़े मास्टरमाइंड लीडर थे उस किसान आंदोलन के, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो ऐसा लग रहा है कि अब आंदोलन में जो गति थी, जो आंदोलन अपनी मनमर्जी से चल रहा था, अब उसी आंदोलन में कहीं ना कहीं न्यायपालिका की एंट्री हो गई, दिल्ली पुलिस की एंट्री हो गई, सरकार की एंट्री हो गई। और जब ये एंट्री हो गई तो उस पर लगाम लगना ज़रूरी था, जैसा आज हम देख रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आंदोलन कहीं भी किसी भी वक्त नहीं किया जा सकता, कुछ नियम और कानून हैं जिनके तहत आंदोलन किया जाना चाहिए, लेकिन ये आंदोलन, किसान आंदोलन उमड़ा था बिना किसी कानून की मदद लिए। अपनी मर्जी से इन्होंने रोड जाम किया, चक्का जाम किया, देश बंद करने का ऐलान किया, जिससे कि स्पष्ट हो गया था ये आंदोलन एक देश इसका आंदोलन नहीं, बल्कि देश को बर्बाद करने का आंदोलन है। और जब
ये सबूत जब इसका प्रमाण हमारे जवानों को मिला, देश की जनता को मिला, तो देश की जनता ने भी इस आंदोलन को धिक्कारा और इस आंदोलन में हो रही गतिविधियों को पहचाना और उसके बाद इस आंदोलन को छोड़कर जाने की बात भी कर रहे हैं। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय लिखिए, वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आज मौनी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे कि साफ स्पष्ट है कि आप किसान आंदोलन फीका पड़ जाएगा। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में राय लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज़ ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।